Guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my brand new YouTube video. आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये है विंटर हॉल. विंटर मीसो हॉल है गाइज और काफी अच्छे अच्छे स्टप्स लेकर आई हूँ. डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी लेकर आई हूँ और इन्जॉय करो. मैं वन बाई वन सारे स्टप दिखाऊंगी और उसके बाद मेरी फुल वीडियो यहाँ पे होगी और डिटेल्स यहाँ पे होंगे, सब कुछ यहाँ पे होंगे. आप देखो पटाखे की आवाज़ आ रही है. मैं सूट कर रही हूँ 11 o'clock नाइट, संडे नाइट, क्योंकि आज दिवाली की सफाई करनी थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला. तो मैं दिखाती हूँ वन बाय वन स्टफ और आप इंजॉय करो. ओके, तो स्टार्ट कर ही देते हैं पहले स्टप से. ओके, पहला एक्चुअली ये वीडियो ना दो बार शूट हो रहा है, एक बार ऑलरेडी हो चुका है और ये दूसरी बार कर रही हूँ क्योंकि उस समय शूट करते करते मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो गया था. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो, बट मैं सेकंड टाइम शूट कर रही हूँ और आप देखो ऑलरेडी पैकेट खोल रखा है. काफ़ी अच्छा पैकेट है, आई एम लविंग इट. ये बहुत ही मस्त जैकेट निकला है गाइस, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा जैकेट होगा. ये ओवर साइज शॉर्ट जैकेट है, क्रॉप जैकेट जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा है. इसकी फुल पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना. काफ़ी अच्छा है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट, ऑलवेज माय फेवरेट. आई लव ब्लैक एंड वाइट बोथ और इसमें तो दोनों है. तो स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है. मेन मुद्दा इज़ फैब्रिक, फैब्रिक की क्वालिटी. जैसी आप अच्छे अच्छे शोरूम से लेते हो ना वैसा ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मीसो वालों ने, बहुत अच्छा दिया है. तो मेरे से ये वाले जैकेट को 100% रिकमेंडेशन है कि आप लो ही लो. तो चलो चलते हैं सेकेंड नंबर जैकेट पे. मैंने यहीं पे रख दिया, जो पहन के दिखाऊंगी वो यहाँ पे होगा. सेकेंड नंबर जो है वो मैं खोल देती हूँ. क्या लिया है मैंने ज़रा देख लूँ. ओके, इसका हुडी काइंड ऑफ थिंग. येस, आई लव दिस ब्राउन कलर. येस गाइज, ये ब्राउन कलर है और काफ़ी अच्छी रिव्यू है इसकी, 4-star रेटिंग है. इससे ऐसे डबल फोल्ड करके दिया है ना कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें इतना मोटा सा हुडी होगा. येस गाइज, सी दिस हुडी, इट्स अ ब्राउन कलर गाइज. ये ब्राउन कलर है, आपको दिख रहा है इसमें. इसकी भी मटेरियल अच्छी है, बहुत अच्छा है. ये पहन कर दिखाती हूँ इसका, यहाँ पे फुल पिक्चर आएगा, आप देखो और इन्जॉय करो. और सब सो रहे हैं, मैं बना रही हूँ वीडियो. अच्छा, कोई नहीं भी सो रहा. क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, देखते हैं. पहन कर दिखा दूँगी यहाँ पे. मेरे साइड से 100% रिकमेंडेशन इसको भी है. मैंने साइज़ मंगवाया एल क्योंकि आई वांट ओवर साइज विंटर वाला जैकेट, मुझे अच्छा लगता है. यहाँ विंटर होता नहीं है, मैं सूरत में रहती हूँ पहली बार बता दूँ, और सूरत में बहुत ज़्यादा विंटर नहीं होता. मैं यहाँ रख रही हूँ और मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ. काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आप खड़े होकर वीडियो क्यों बनाते हो, आप थक जाते हो, आप बैठ. मेरे नेल्स से अभी निकल गए. ओके, ये आई थिंक स्टॉकिंग्स मंगवाया है इस बारे. ये काफ़ी वायरल है, काफ़ी ज़्यादा वायरल स्टॉकिंग्स है. ये दिखाऊं मैं आपको. ओके, ये ट्रांसपेरेंट स्किनी, ऐसा लगता है कि कुछ ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन रखा है. ये तो मैं लास्ट टाइम भी लेना चाह रही थी बट मैंने लिया नहीं था. और मैंने साइज मंगवाया है एल. ऐसा पहनने के बाद ऐसा टेक्सचर आता है कि स्किन दिखता है बट स्किन नहीं दिखता है. ये इसकी ऐसे टेक्सचर ये देखो. और ये काफ़ी वॉर्म होता है गाइस, जहाँ तक मुझे पता है. और काफ़ी वायरल भी हुआ है ये स्टॉकिंग्स. और फुल लेंथ है, अच्छा है, क्वालिटी तो अच्छा दिख रहा है. इवन सॉक्स वाला पैटर्न है, आपका कुछ भी नहीं दिखेगा. आप इसके साथ बूट शूज जो भी पहनो, वाओ मज़ेदार चीज़ है. मैं पहनकर आऊँगी और इसको फुल इसका लुक क्रिएट करूँगी, वो दिखाऊँगी. ठीक है, तो जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट के साथ. नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने खोला, आपको बताया ना मैं दो बार वीडियो अटेम्प्ट कर चुकी हूँ लेकिन बनाने का दिल नहीं किया तो मैंने नहीं बनाया. तो एक बार और रात में सन्नाटे में बनाना था, मुझे सन्नाटे में. और ये पिंक स्वेट सेट है,
क्योंकि यहाँ पे विंटर कम होती है, तो मैंने ऐसा सिंपल सा जो कि कम विंटर वाला है। यहाँ का विंटर सीजन कैसा होता पता है? जैसा दिल्ली का नवंबर का होता है, नवंबर भी ज़्यादा बोल रही हूँ, आफ्टर दिवाली होती है, बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड सूरत में होता है। मेरे को ठंड पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी है, और इसका कलर बेसिकली बहुत अच्छा है। क्वालिटी वही है जो ब्राउन वाले की है। मैंने साइज़ सबकी मंगवाई एल, क्योंकि मुझे चाहिए था ओवर साइज, और मुझे ओवर साइज ही अच्छा लगता है इसमें। बस आप वन बाय वन पहन के दिखाऊंगी और साइड में यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आज मैंने बहुत सारी मंगवा ली, पता है कितनी? टोटल मोर देन 13 और 14। ओके, ये कलर भी अच्छा है, आई लव दिस कलर। इस कलर का एक मेरे हस्बैंड ने भी लखनऊ से मेरे लिए अनारकली लेकर आए हैं। ओके, दिस वन इज सुपर कूल हुडी, दिस वन इज हुडी गाइज, ये देखो। और इसकी भी क्वालिटी वैसी है जैसे दिखा रखी है, ये देखो, स्माइली सी टंटन, मस्त है। कलर बहुत ही अच्छा है, आई लव दिस कलर, और क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है। पहन कर देखती हूँ कि इसका लुक प्रॉपर कैसा आता है। ओके, तो मैं पहन के दिखाऊंगी, साइड में लगा दूंगी वीडियो, बहुत देख लेना। फिलहाल मैं सबको इधर ही स्टोर कर रही हूँ साइड में, ताकि मुझे पहनने में इजी हो। नेक्स्ट, खोल कर रखा है मैंने, खोल के रखना चाहिए था मुझे सारा का सारा, राइट। ये है ओवर साइज जैकेट, सेम जैसा क्रॉप जैकेट वैसा ही, बट ये शॉर्ट है। आई थिंक ये मैं रख लूँगी और वो अमायरा को दे दूँगी। ममा ममा थिंग अमायरा को ऐसा लाइक जापानीज वाला जैकेट होता है ना, वो पसंद है, जैसा भी मैंने साइड में रखा। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया ना, क्योंकि वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही अच्छा है। तो मैं बिल्कुल बताऊंगी कि आपको कौन सा लेना है। टोटल 13 जैकेट में से मैं रैंक दूंगी, और आपके यहाँ कितनी ठंड होती है ये मुझे जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंड होगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे लेयरिंग करो, कम ठंड होगी तो कैसे करो ये मैं बता दूंगी। ये मैंने मंगवाया है हाई नेक गाइस, टर्टल नेक वाइट कलर की, और फुल स्लीव, ऑफ कोर्स फुल स्लीव होगा। इसकी फैब्रिक क्वालिटी देखो गाइस, अच्छी है, ऐसी लाइन वाली है, मुझे अच्छी लग रही है। मेरे देखो दो दो नेल्स और इसमें एक नेल्स बचे हैं, सारे निकाल दिए मैंने। और आते मुद्दे पे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मस्ट टेल यू सीरियसली, फैब्रिक इज़ वेरी 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 नाइस, कंफर्टेबल, आई थिंक अच्छी क्वालिटी की है, मस्ट टेल यू। इसकी स्टाइलिंग जो करूँगी वो इधर लगा दूँगी। ओके, तो आप देख के ले सकते हो। और जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ गाइस। मैंने ना कुछ सॉल भी मंगवाए हैं, अभी तक दिख नहीं रहा है, और मैंने एक बहुत ही प्यारा स्टफ मंगवाया, क्योंकि ये वाला मेरा फेवरेट है, कलर बहुत अच्छा है। और ऐसी पहले मैं दिखा देती हूँ, फिर रिएक्शन दूंगी। ओके ओके ओके, सी कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है गाइस, सी। और सीरियसली बहुत ही प्यारा स्वेटर दिख रहा है गाइस ये। साइड में वीडियो लगाऊंगी, इससे आपको पता चलेगा, क्वालिटी बहुत अच्छा है और कलर कॉम्बिनेशन, मुझे नहीं, लिटरली मुझे नहीं पता था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइस। और कलर, आई लव दिस कलर, बॉटल ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, वाइट जीन्स के साथ भी जाएगा, ब्लैक जीन्स के साथ भी जाएगा। जो भी मैं स्टाइलिंग करूँगी वो साइड में वीडियो लगा दूँगी। ओके, इवन ब्लू जीन्स के साथ भी जाएगा, ब्लू के साथ भी जाएगा, एग्जैक्टली। इतने सारे पार्सल हैं मेरे पास कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है गाइस, क्योंकि बहुत सारे बैक टू बैक पार्सल आए हुए हैं और मैंने खोल के नहीं था। मैंने ना एक गलती करी, कलर में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा, या तो ब्लैक ऑर्डर किया या तो वाइट ऑर्डर किया, नहीं किया है ना, पिंक भी किया है, पीच भी किया है। ये भी वाटर ग्रीन है गाइस, ये भी हुडी है, और दिस वन इज ऑल्सो बॉटल ग्रीन हुडी, ये भी बहुत प्यारा है, आई लव दिस, आई लव दिस।
इसकी क्वालिटी भी वैसी दो हुडी की जैसी है जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाई, वैसी हुडी इसकी भी है, बट कलर बहुत प्यारा है। ये पर्टिकुलर सबके साथ जाएगा, ब्लू, ब्लैक, वाइट, कोई भी कलर पहनो, इवन ब्राउन वो भी पहनोगे उसके साथ भी जाएगा। तो मुझे आपको साइड में इधर वीडियो दिखानी पड़ेगी, मेरी स्टार्टिंग वीडियो, राइट? देखते हैं 11 o'clock मैंने वीडियो स्टार्ट किया, कितने बजे तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर मैं स्टाइलिंग वीडियो करूँगी तो बहुत लेट होने वाला है, बट मैं वन गो में ही करने वाली हूँ। और आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें दो है, क्यों सेम ब्रांड का है उसके गाइस, ये वाला बहुत अच्छा है, ये हाफ स्वेटर बोलते हैं हम लोग तो सब लोग वही बोलते हैं, कार्डिगन जिसको बोलते हैं। ओ यस, दिस वन इज सुपर कूल, आई लव इट, सी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है ये, इसको तो सच में स्टाइल करना ही होगा। आप लोग मामा लोग स्वेटर बनाती थी वैसी वाली क्वालिटी है स्वेटर, जो बुनते हैं ना वैसा वाला, बहुत ही प्यारा गाइस। ये वाइट शर्ट और डेनिम पहनो, वाइट शर्ट पहनो, उसके साथ ये पहनो, मस्त दिखने वाला। इसी पैकेट में एक और आ गया है, ओके ये वाला भी मेरा फेवरेट है, अगेन वाटर ग्रीन एंड ब्राउन, दिस टाइम विद वाटर ग्रीन विद ब्राउन, ओके दिस वन इज सुपर कूल। ये टोटली मैं इंस्पायर हुई थी कोरियन वाले लुक से, थोड़े ऐसे ही कोरियन लोग पहनते हैं, अमायरा से इंस्पायर हो गई हूँ मैं कोरियन वाले लुक से नहीं। ये भी इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मस्ट है यू। ये भी मेरा फेवरेट है, कितने सारे फेवरेट हो गए, जो जिसका मैं वेट कर रही हूँ अभी तक भी नहीं दिखता। मैंने एक ना बहुत ही प्यारा सॉल का मैं वेट कर रही थी वो दिख गया। टोटल 13 प्रोडक्ट मंगवाए गए, कितने, हाउ मेनी, 13 में से ये देखो क्या, ये एक सॉल है, क्रिसमस सॉल, कलर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे दिखाती हूँ, थोड़ी सी स्मेल आ रही है। और ये देखो एक कुछ ऐसा सॉल है गाइस, ये मैं ना पापा को गिफ्ट कर दूंगी, बहुत ही प्यारा सॉल है, क्योंकि वो लोग झारखंड बिहार में रहते हैं, वहाँ काफ़ी ठंड होती है, तो ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ पापा को, मैं वॉश कर दूँगी इसे और ये गिफ्ट कर दूँगी, काफ़ी अच्छा है। और मैं गुलू गुलू लग रही हूँ इस सॉल को पहनने के बाद, मम्मी बहुत गंदी बदबू आ रही है, आई थॉट कि काफ़ी कम विड्थ वाला होगा, ओके आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो डबल फोल्ड करके और सिंगल फोल्ड करके। गाइस मस्ट टेल यू कि इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है, क्योंकि ये फरी वेलवेट है, इसमें काफ़ी कलर ऑप्शन है, यहाँ पिक्चर लगा देती हूँ। और जो मैंने मंगवाया था वो रेड था, बट ये थोड़ा मरून कलर का है, बट ये भी अच्छा दिख रहा है, अफकोर्स ये भी अच्छा दिख रहा है। अब मैं वेट कर रही हूँ एक सॉल का, जो कि काफ़ी टाइम से मैं ऐसे सॉल देख रही थी, और मुझे याद है कि मेरी मम्मी के पास भी था, और वो सॉल आ गया सॉल आ गया, वाओ ब्लैक कलर, वाओ रेड कलर, वाओ मजेंटा कलर, वाओ इसमें तो सारे वाओ कलर हैं। और इसकी फैब्रिक की क्वालिटी, ये सॉल की, इसकी प्राइस कितनी आपको पता है, स्क्रीन पर लगा देती हूँ, अभी याद नहीं है, स्क्रीन पर लगा देती हूँ, बट बहुत ही अच्छा सॉल है गाइस, डिटेल देखो, इतने कम प्राइस में इतना अच्छा सॉल मिल रहा है। और क्या चाहिए, ये प्योर पश्मीना है, पश्मीना विंटर में पश्मीना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर जो थ्रेड की क्वालिटी यूज़ की गई है वो भी बहुत ही क्लासी है, कि आपको ये दिख रहा है, बहुत ही अच्छी है क्वालिटी, देखो मस्त है, मस्त बोले तो मस्त, 100 में 100 मार्क्स देनी चाहिए। तो मैं अब आती हूँ, सारे प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए गाइस, राइट, टोटल मैंने 13 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं,
तो मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट की। जो नंबर वन पे आएगा वो ये वाला सॉल आएगा, बहुत ही प्यारा है। एंड सेकंड नंबर पे आएगा वो हाफ कार्डिगन ब्लू वन, ये वाला, और उसके साथ जो ग्रीन आया है वो। एंड सेकंड नंबर पे ये दो आ गया, और थर्ड नंबर पे आएगा ओवर साइज जैकेट जो कोरियन स्टाइल है वो, और थर्ड हो गया। फिफ्थ, पाँच और छः भी बताती हूँ। पाँच पे आएगा पीच वाली जैकेट, और छः पे आएगा दैट ब्राउन वाला जो है ना जैकेट, स्वेट शर्ट जिसको कहते हैं वो। तो मेरे साइड से ये सारे रैंकिंग भी मैंने दे दी है, और सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हाई रिकमेंडेशन है। मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे स्टफ़ देता है मीसो, और मैंने अभी मीसो की कुर्ती पहन रखी है। इसकी आफ्टर वॉश वीडियो नहीं लगाई है, ये मेरी फॉल्ट है, बट ये कुर्ती काफ़ी अच्छा, इसका कलर नहीं गया है, इसके जो खरी प्रिंट थी वो भी नहीं गया, तो अच्छी कुर्ती है मेरे साइड से। और मैं अपने मेरी फुल वीडियो देख ली, मैं आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल और डू ऑल द गुड थिंग्स गाइज, ताकि मैं नए नए और अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ, और आप लोग इन्जॉय करो। और एक ऑलरेडी मैंने 5 to 6 thousand के प्रोडक्ट्स लिए हैं विंटर वाले मीशो से, और इसमें से जो बेस्ट है वो आपको मैंने बता दिया, वो आप बाय करो और इन्जॉय करो। सारे प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए हैं, राइट, टोटल 13 प्रोडक्ट दिखाए। एक जैकेट दिखाए नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट चेक्स है, वो मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि उसकी फैब्रिक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। अदरवाइज़ उसका लुक अच्छा था पहनने के बाद, मुझे इसके साइड में मैं प्रिंट वीडियो लगा स्टाइल बहुत देती हूँ अच्छी लगी, वो है, बट मुझे इसकी वो उतना फिनिशिंग अच्छा अच्छी नहीं नहीं लगा लगी, था, 13 नंबर तो प्रोडक्ट वो वही होता, तो मैंने उसे मैं रिटर्न इसे कर पक्का दिया। ही रिटर्न करने वाली और जितने हूँ प्रोडक्ट हैं इसमें से देखती हूँ मुझे क्योंकि कौन से आई ये डोंट सबसे लाइक सुपर इट। अच्छे लग रहे हैं वो मैं रखने वाली हूँ, और जो चलो अच्छे नहीं देखते लग रहे हैं हैं वो नेक्स्ट मैं आइटम। रिटर्न करने वाली हूँ। तो मिलते हैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और डू ऑल द गुड थिंग्स गाइज, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।